सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आरबीएल का सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो जीरो बैलेंस में, और ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। ओपन करते ही आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा कुछ आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको इसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री दिया जाएगा। सो गाइस, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ये रहा मेरा आईडी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देन प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आरबीएल का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है आरबीएल बैंक मोबाइल बैंकिंग। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन, तो इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली इस बॉक्स में आपको टिक आउट कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको परमिशन को अलाउ करनी होगी। तो यहाँ पे चलिए मैं अलाउ कर देता हूँ। सो गाइस, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ जितना भी परमिशन है यहाँ पे। देन उसके बाद फिर से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। अगर आपके पास आरबीएल का बैंक अकाउंट है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हो। और अभी तक आपने इसमें डिजिटल सेविंग अकाउंट को ओपन नहीं किए हो तो सिंपली आपको यहाँ पर दिख जाएगा ओपन डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पे आई एग्री कर लेता हूँ। तो आई एग्री पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये अकाउंट आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिसके ज़रिए आपका ईकेवाईसी होगा ओटीपी के थ्रू। अगर आप चाहे तो अपने आधार कार्ड का क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी कोड भेजा जाएगा। तो उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए, मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड आ गया है, तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे ओटीपी कोड एंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ओटीपी कोड नहीं मिलती है तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके अपने ओटीपी कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। चलिए मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। देन ओटीपी कोड फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड जो है कि मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड देना है इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल इंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चार स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप में यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। तो जो आपके आधार कार्ड पर नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। देन यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ।
सो गैस नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मदर का फुल नाम इंटर करना है, तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। सो गैस मैंने यहाँ पे मदर का नाम इंटर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी इंटर करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। सो गैस तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर दिया है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करनी है, देन नेशनैलिटी में आपको इंडिया ही रहने देना, देन यहाँ पे आपको नो पे ही रहने देना, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना होगा, तो टाइटल में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना होगा, तो रिलीजन यहाँ पे मैं हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, और भी यहाँ पे कई सारे। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, तो कैटेगरी में यहाँ पे आपको दिख जाता है एससी, एसटी, ओबीसी, इनमें से आप जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे एससी वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस में सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हो या मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सो गैस यहाँ पे एड योर मेडन नेम आप चाहे तो फिल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप अपने फादर या फिर अपने पति का नाम भी इंटर कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम इंटर कर देता हूँ। अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति का नाम भी इंटर कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे पति का ही नाम इंटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक महिला का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो चलिए मैं उसका पति का नाम यहाँ पे। सो गैस मैंने यहाँ पे स्पाउस नेम इंटर कर दिया है। देन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गैस नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है यहाँ पे एक बार शो कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है सिलेक्ट एड्रेस टाइप। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने रेसिडेंटल सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे रेसिडेंटल ही रहने देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इज योर आधार एड्रेस द सेम एस योर परमानेंट रेसिडेंटल एड्रेस। तो अगर आपका सेम है तो यस पे टिक आउट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नो पे भी कर सकते हो। चलिए मेरा है तो मैं यस पे रहने देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है इज योर आधार एड्रेस द सेम एस योर कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस पे रहने दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एक बात और, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका ब्रांच नहीं रहेगा तो ये पेज जो है कि आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस में ब्रांच नहीं है तो आप नो पे भी क्लिक करके और अपने अदर एड्रेस को फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो गैस मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मेरे एरिया में ब्रांच नहीं है, कुछ एरर यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस को यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। सो गैस जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, देन यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिल करना है कम्युनिकेशन का, देन यहाँ पे सिटी, देन कंट्री में आपको इंडिया ही रहने देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड इंटर करना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गैस मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर लिया है, और यहाँ पे मैंने स्टेट, सिटी, कंट्री और पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो गैस नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो आपका जो डेबिट कार्ड है कम्युनिकेशन वाला एड्रेस पे आपको डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। आप कम्युनिकेशन का एड्रेस उसी जगह के दीजिए जिस जगह पे आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपके कोई भी रिलेशन में वहाँ पर रहते होंगे, तभी आप कम्युनिकेशन का एड्रेस फिल करिए। देन उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। सो गैस यस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेलेक्ट योर ब्रांच, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो गैस यहाँ पे आपके एरिया में जो भी ब्रांच होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो देन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका कोई नज़दीक ब्रांच है इनमें से,
तो चलिए मेरा जो भी नज़दीक है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एड CKYC नंबर, तो इसको आपको फिल नहीं करना है, इसको आप ऑप्शनल भी छोड़ सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगर आप यहाँ से इनमें से कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रेडेड, पोस्ट ग्रेडेड, प्रोफेशनल, अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं हो चारों में से, तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एम्प्लॉयमेंट टैब, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट टैब में आप जो भी हो, यहाँ पे स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, रिटायर्ड हो, हाउस वाइफ हो, या फिर आप इनमें से प्रोफेशनल हो, तो इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका सोर्स इनकम कितना है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। आप सैलरी हो या फिर बिजनेस इनकम आता हो या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम आता हो, तो चलिए मैं यहाँ से बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रोस एनुअल इनकम, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कितना इनकम आता है। तो चलिए मैं यहाँ से फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेक्ट योर अकाउंट टैब, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका अकाउंट जो है कि सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है डिजिटल प्राइम सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो इस अकाउंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आपका मिनिमम बैलेंस जो कि यहाँ पे आपको 5,000 रखना है, मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5,000 रखना है यहाँ पे। देन मैंने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है, तो डेबिट कार्ड में यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो इनमें से आप जो भी चाहो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे डोमेस्टिक ही रहने देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लीज ऐड योर नॉमिनी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी को ऐड करना होगा। नॉमिनी को आप क्यों ऐड करोगे और इसे क्यों ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब आपका बाय चांस कभी भी डेथ हो जाता है तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो आपको नॉमिनी को दे दिया जाता है, इसलिए आप नॉमिनी को यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको किस तरह से ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या लगते हैं नॉमिनी आपके रिलेशन में, आपके रिश्ते में। तो चलिए मैं यहाँ से फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इससे पहले मैं चलिए इसे फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे नॉमिनी का सारा डिटेल एंटर कर दिया है। देन उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करनी है। सो गाइस यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डू यू विश टू डिस्प्ले नॉमिनी नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एडवाइस एंड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स लेटर्स। तो यहाँ पे आप अपने डिस्प्ले पे नॉमिनी का डिटेल देखना चाहते हो, नॉमिनी का नाम वगैरह, स्टेटमेंट, ये सारा कुछ आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे येस ही रहने देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एड्रेस, तो आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स में टिक आउट कर दें। सो गाइस टिक आउट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, तो आप चाहे तो इसे रीडिंग भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक आउट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म कर लेना है आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तभी आप इस फॉर्म को कन्फर्म कीजिए। देन आपको चेक कर लेना है, अगर कोई गलती आपको लग रही है तो यहाँ पे पेंशन के आइकन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल राइट है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे ही क्लिक कर देना है। अगर नॉमिनी का भी डिटेल आपको कोई गलती लग रहा है तो यहाँ पे पेंशन के आइकन पे क्लिक करके आप नॉमिनी को एडिट कर सकते हो।
देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस कंफर्म पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड जाएगा जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ अपना ओटीपी कोड। सो गाइस मैंने यहाँ पे ओटीपी कोड इंटर कर दिया है। देन उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ओटीपी कोड नहीं मिलती तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके अपने ओटीपी कोड को दोबारा से मंगा सकती हो। तो चलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। आपका जो फॉर्म है, आपका जो डेटा इन्फॉर्मेशन, वो पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, वो प्रोसेसिंग में है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका ओटीपी कोड, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, सारा कुछ आपको दिख जाएंगे। आपका डेबिट कार्ड भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इन्फॉर्मेशन जो है कि वेरीफाई हो गया है और सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर, कस्टमर आई डी, आईएफएससी कोड और मेरा ब्रांच है, वो भी ब्रांच मेरा यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर एक डोमेस्टिक का डेबिट कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे शो कार्ड नंबर, तो आपका जो कार्ड का नंबर यहां पे शो हो जाएंगे। और अगर आप यहां पे क्लिक करोगे शो सीवीवी नंबर, तो आपका जो डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर है 3 डिजिट का, वो आपको दिख जाएंगे। देन उसके बाद यहां पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए मैं यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। आप चाहे तो इसे कहीं नोट करके भी रख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।